कांग्रेस ये दो नाव की सवारी कब तक कर पाएगी, कब तक चलेगा? आप जानते हैं कांग्रेस का सनातन विरोधी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी, ये जो बाहर जाकर विदेशी धरती पर जाकर इनकी कोशिश है भारत भूमि को अपमानित करने की, तो इससे भारत भूमि का अपमान नहीं हो रहा है, भारत भूमि का तो वर्चस्व कायम है। G20 के बाद विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, लेकिन इसमें इनकी सोच का पता चलता है कि ये कैसी सोच रखते हैं। माइनॉरिटीज की बात करते हैं ये लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी का पर्सन राष्ट्रपति बन जाए, आर्मी के हाई पोजीशंस पर हो, देश का पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने, असंख्य उदाहरण है इस देश में, परंतु आप एक ऐसा उदाहरण किसी और देश में नहीं बता पाएंगे। तो क्रेडिट मेजोरिटी को देने में इतनी पीड़ा क्यों होती है इन लोगों को? जम्बू द्वीपे भारत खंडे, आर्यावर्ते भारत देशे, हमारा देश भारत था, है और रहेगा। उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम्, वर्षं तद् भारतम् नाम भारती यत्र संततिः। नमस्कार दोस्तों, G20 के आयोजन में भी हमने सनातन के प्रतीकों, उसके संदेशों से विदेशी मेहमानों को मोहित होते हुए देखा। लेकिन सनातन की इस महानता के बावजूद भारत में कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे मोहरा बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऋषि मुनियों के देश भारतवर्ष में सनातन को साधु संतों ने एक धरोहर की तरह संजो कर रखा है। एक सन्यासी उसके लिए जीता है, मरता है, उसकी रगों में सनातन बहता है, उसकी सांसों में सनातन वास करता है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक आध्यात्मिक धर्मगुरु मौजूद हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, जिनकी बेबाकी सनातन के लिए हमेशा एक ढाल की तरह रही। साध्वी प्रज्ञा जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजीव जी, क्लिक इंडिया में आमंत्रित करने के लिए। मैम, G20 आयोजन स्थल पर नटराज की प्रतिमा, कोणार्क चक्र, रामायण, महाभारत, विष्णु अवतार का दर्शन, गीता ऐप के जरिए जीवन दर्शन सबने देखा। पहली बार इस तरह से भव्य रूप में विदेशी मेहमानों को सनातन संस्कृति का दर्शन कराया गया। एक आध्यात्मिक धर्म गुरु के तौर पर PM मोदी के इस प्रयास को आप कैसे देखती हैं? देखिए राजीव जी, इस समय पूरे भारत का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। पूरा विश्व भारत की महिमा गा रहा है। भारत हमेशा से ही अपनी संस्कृति और समृद्ध इतिहास के लिए जाना गया है, परंतु पूर्व में कुछ सरकारें आईं जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता पर आघात भी किया। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपनी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को पूरे विश्व के सामने रखा है, निसंदेह वो सराहनीय है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो G20 की समिट की थीम है, वसुदेव कुटुंबकम, विच ट्रांसलेट टू वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सबको साथ लेकर चलना, यही अपने आप में बहुत कुछ समझा देता है। और देखिए, जितने भी प्रतीक चिन्ह की अभी आपने बात करी, वो अपने आप में सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक मायने रखते हैं। नटराज जो भगवान शिव के नृत्य रूप को प्रदर्शित करता है, कोणार्क चक्र जो सूर्य की गति के साथ हमारे जीवन की गति को भी मापता है, रामायण महाभारत गीता को वहां दर्शाना सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चरित्र दिखाता है, महाभारत योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र, गीता जीवन दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से G20 का सफल आयोजन हुआ है, नो डाउट राजीव जी वो साधुवाद के पात्र हैं। एंड ऑल्सो माई हार्ट स्वेल्स विद इमेंस प्राइड एज आई विटनेस द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर टू अप्रिशिएट द इनक्रेडिबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग द G20 समिट। एक वो भी दिन था, आप याद कीजिए, वो भी समय था जब भारत को तीसरी दुनिया का हिस्सा बुलाया जाता था, और आज ये समय है कि भारत पूरी दुनिया को लीड कर रहा है वर्ल्ड स्टेज पर। आज हम चांद पर हैं, सूरज की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, G20 का बहुत ही सफल आयोजन कर चुके हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी द्रमुक के उदयनिधि और ए राजा सनातन पर विवादित बयान दे रहे हैं। प्रकाश राज भी उन बयानों का समर्थन कर रहे हैं। इधर G20 का आयोजन हो रहा था और उधर राहुल विदेश पहुंचकर विवादित बयान देने लगते हैं। मैम, आखिर विपक्ष देश में आज की शानदार पॉजिटिविटी के बीच किस तरह की निगेटिविटी ढूंढ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष कोई साजिश कर रहा है? आखिर उनके इस सोच के पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आपको इनके टाइमिंग्स देखने पड़ेंगे। जिस समय भारत में चारों ओर एक
कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पूरे भारत का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है, पूरा विश्व भारत की महिमा गा रहा है। जिस तरह से भारत ने G20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता संभाली, भारत स्वाभिमान के साथ विश्व की अधिकांश मुद्राओं के साथ बेहतर स्थिति में है। इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की गाथा सब बिग टेक जायंट्स गा रहे हैं और उनको मोस्टली इंडियन ओरिजिन के हिंदू ही लीड कर रहे हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, ब्रिटेन की कॉलोनी होने से लेकर आज एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन को लीड कर रहा है और ब्रिटेन की इकोनॉमी को ओवरटेक कर रहा है। भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और ऐसे में इन्हें तकलीफ होना जायज सी बात है। आज पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है और हमारा कर्तव्य बनता है राजीव जी कि हम सब मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर अपने देश भारत के विकास के लिए एक साथ काम करें। और वहीं जब मैं इन लोगों की स्थिति देखती हूं तो मन पीड़ा से भर जाता है। राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर अपनी भारत भूमि का अपमान करते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आइए ना भारत में, भारतवासियों से चर्चा कीजिए। यहाँ पर आकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया। जो अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की है वो किसी से भी छुपी नहीं है। मुंबई में गठबंधन इंडिया की बैठक हो रही है और उसके 24 घंटे के अंदर ही सनातन को लेकर उदयनिधि की विवादित बोल। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आखिर इसके पीछे कौन है? देखिए राजीव जी, ये जो अभी आपने एक प्रश्न किया है, मुंबई बैठक की बात की है, जिस I.N.D.I.A. ये जो इन्होंने सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की बात अभी जो आपने की, उसकी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू शब्द से चिढ़ है, भारत से नफरत करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को तिलक और भगवा से नफरत है, वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, भारत माता की जय बोलने से प्रॉब्लम है। और इस बात पर स्टेप लगा दी उनके नेता राहुल गांधी ने, जिन्होंने अभी एक विवादित बयान दिया है अपने ही देश और देशवासियों को लेकर। और अगर आप इसको आगे देखो, कॉन्फ्रेंस के अंत में आते आते जूनियर स्टालिन के बयान हमारे सामने आते हैं, ए राजा के आते हैं, प्रियंक खड़गे के आते हैं, और आज जो आप बता रहे हैं कि प्रकाश राज ने भी उनको समर्थन दिया है, तो ये क्या है? ये उनकी इनसिक्योरिटीज को दर्शाता है। आप एक बात बताइए, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस भारत में होना जिसका सब्जेक्ट हो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, क्या ये संभव है? राजीव जी, इज दिस हैपनिंग इन आवर कंट्री भारत? कुछ महीनों पूर्व US में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका सब्जेक्ट था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस US में हुई थी और हमारे ही देश में आप सनातन धर्म के समूल नाश पर खुलेआम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये चाहते हैं कि इनका विरोध भी ना किया जाए। बिकॉज इन द लैंग्वेज ऑफ देयर पार्टी लीडर्स, इसमें गलत ही क्या है? केसी वेणुगोपाल जी जो इंडिया अलायंस के महासचिव है, वो इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। जरा इनसे पूछा जाए, किसी और धर्म के बारे में अगर आप अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आप बोल के दिखा सकते हैं ये बात अभिव्यक्ति की आजादी? आपसे पूछा जाए, आपको पता चलेगा कि उसके बाद क्या हाल होगा आपका? राजीव जी, सबसे बड़ी बात ये है जो भी आपने प्रश्न पूछा कि क्या जो कांग्रेस है उनका ये कल्चर स्टार्ट हो गया है कि सनातन पर प्रहार करो और सनातन पर अभद्र टिप्पणियां करो। आप ये देखो, कांग्रेस के तो एक व्यक्ति ने भी कंडेम ही नहीं किया इनके बयानों को, उल्टा उसे समर्थन कर रहे हैं। एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने कंडेम किया हो। एक एजेंडा है इनके पास, एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ब्रेकिंग इंडिया एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक लगता था राजीव जी कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा लगता था कि मे भी इनके मन में कुछ बातें हैं आपस की हैं, ये हो जाएगा। लेकिन देश के प्रति इतनी नफरत आप सोच कर देख सकते हैं, जिस भारत देश में आप रह रहे हैं उसके प्रति इतनी नफरत? कांग्रेस ये दो नाव की सवारी कब तक कर पाएगी, कब तक चलेगा? आप जानते हैं कांग्रेस का सनातन विरोधी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी, इस दो नाव की सवारी को जनता 2024 में चार कंधों पर बिठाकर एक बार फिर विदा कर देगी। राजीव जी, फिर विदा इनको होना पड़ेगा। सनातन पर विवादित बयान, रामचरितमानस का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, ये कृत्य आने वाले समय में क्या बड़े धार्मिक संघर्षों की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जब हम ऐसे बयान सुनते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, दिल दुखता है। और जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है राजीव जी? राजनीतिक लोगों का धार्मिक एक्सपर्ट्स बनके
धर्म पर बयानबाजी करना एक ट्रेंड सा बन गया है हमारे देश में। तो मैं हालांकि धार्मिक बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन थोड़ी राजनीति का पाठ पढ़ाना जरूरी समझती हूँ। जिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कल्चर स्टार्ट किया राजीव जी, रामचरित मानस का अपमान करने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया था, पहली बात तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बुद्धिस्ट है। वो सनातन धर्म को न मानते हैं न फॉलो करते हैं। और देखिए, सनातन धर्म इनके लिए कितना सॉफ्ट टारगेट है कि किसी भी धर्म को मानने वाला आएगा, अपनी टिप्पणी कर देगा और चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बार में एक अपोलॉजी मांग लेगा, क्योंकि हमें तो हमारा धर्म तो सहिष्णु है ना। लेकिन अब ये नहीं चलेगा राजीव जी, क्योंकि इलेक्शन से पहले अचानक से ये लोग आते हैं, जागते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना शुरू हो जाते हैं, सनातन पर प्रहार करने लगते हैं। जब सत्ता में थे तब आपको याद नहीं आई प्रभु श्री राम की? आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं इनकी? देखिए, बात यह है कि सनातन धर्म को एक पॉलिटिकल रूप की तरह, एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है, और ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है हिंदू वोट को बांटने के लिए, और कोई दूसरी बात नहीं है। बात सिर्फ तमिलनाडु की ही नहीं है, बल्कि यूपी, बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन के बाद से इस तरह के बयानों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो क्या ये चुनाव जीतने की साजिश है ताकि हिंदुत्ववाद की धार कमजोर हो, समाज बढ़ जाए? राजीव जी, हिंदुत्व की धार को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। हिंदुत्व की जड़ें बहुत मजबूत हैं, एंड आई एम श्योर सभी सनातनी मेरी बात से अग्री भी करेंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये जो एक तरीके की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, एक नया प्रचलन सा स्टार्ट हुआ है कि समाज को बांटना चाह रहे हैं। लेकिन अब भारत के नागरिक इनकी चाल को समझ रहे हैं, भारतवासी जाग रहे हैं, सजग हो रहे हैं, और अब इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम नहीं करेगी और इनको जवाब जरूर मिलेगा। ये चाहते तो इंडिया अलायंस के माध्यम से सनातन धर्म पर विकसित चर्चा भी तो कर सकते थे ना। हमारे भारतीय गौरव को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी तो बात हो सकती थी। लेकिन नहीं, इस पर क्यों बात होगी, क्योंकि इनका एजेंडा तो साफ क्लियर है, सनातन का समूल नाश। लेकिन ये भूल गए, हमारे इतिहास साक्षी है, जो सनातन को मिटाने की चाह रखता है वो खुद मिट जाता है। मैम, अपनी व्यस्तता के बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक परिवार के साथ स्वामी अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, और वे कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं कि वे सनातन धर्म का पालन करते हैं। अमेरिका के एक शहर में हाल ही में वर्ल्ड सनातन डे मनाया जाता है, और भारत में गठबंधन इंडिया वाले सनातन का अपमान करते हैं और कांग्रेस देखती रह जाती है। क्या ये चुनावी हथकंडा है या गठबंधन और कांग्रेस का चरित्र ही यही है? देखिए राजीव जी, जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर जाना उनकी डीप रूटेड सनातन वैल्यूज को दर्शाता है, ये गौरव की बात है। और अभी जो आपने बात करी कि ये सब जो देश में एक नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे ही देश के लोग सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, ये उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन वहीं पर जो पॉजिटिविटी है, आप उसको भी तो देखिए। अभी हमने भारत में G20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता को कंप्लीट किया है सफल रूप से, बहुत अच्छी तरह से। भारत पूरे वर्ल्ड स्टेज पर शाइन कर रहा है। और इसी के मध्य एक और गुड न्यूज हमें सुनने को मिलती है, जब लुई विले केंटकी की जो मेयर है, उन्होंने सितंबर 3 को सनातन धर्म डे डिक्लेयर किया। इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। और ये जो कांग्रेस काम कर रही है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि इनके सनातन विरोधी इतिहास रहा है, आप देखिए ये वही लोग हैं ना जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, जो राम सेतु को मैनमेड बताते हैं, जो कहते हैं कि गीता में जिहाद है, ये वही लोग हैं ना, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। और महात्मा गांधी जिनको ये अपना मार्गदर्शक मानते हैं या सब कुछ मानते हैं, जानते हैं उन्होंने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा? मैं महात्मा गांधी के वर्ड कोट अनकोट करना चाहती हूँ, हाउ बापू डिफाइन सनातन हिंदू धर्म इन हिज ओन वर्ड्स जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर इंडिया वॉन हर फ्रीडम। सनातन हिंदू धर्म इज नॉट सर्कमस्क्राइब लाइक द प्रोवर्बियल फ्रॉग इन द वेल, इट इज एज ब्रॉड एज द ओशियन, thus interpreted it is the property of all humankind no matter by what name it is called। Mahatma Gandhi ne Harijan newspaper mein August 10 ko 1947 mein ye baat kahi। To ab kya ye log Bapu ki leak se bhi hatkar kaam kar rahe hain?
तो इन्हें क्या लग रहा है कि देश की जनता इन्हें जवाब नहीं देगी? राजीव जी, आप सनातन की उदारता देखिए, दुनिया में कोई और देश ऐसा दिखा दीजिए जहां पर माइनॉरिटीज इतनी सेफ हो। आज राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज सेफ नहीं है इंडिया के अंदर। आप मुझे बता दीजिए कोई और देश जहां पर माइनॉरिटीज के लोग ग्रो कर रहे हो और मेजॉरिटीज के लोगों की जो संख्या है वो कम हो रही हो। कमाल की बात है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी, ये जो बाहर जाकर विदेशी धरती पर जाकर इनकी कोशिश है भारत भूमि को अपमानित करने की, तो इससे भारत भूमि का अपमान नहीं हो रहा है। भारत भूमि का तो वर्चस्व कायम है, G20 के बाद विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। लेकिन इसमें इनकी सोच का पता चलता है कि ये कैसी सोच रखते हैं। माइनॉरिटीज की बात करते हैं ये लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी का पर्सन राष्ट्रपति बन जाए, आर्मी के हाई पोजीशंस पर हो, देश का पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने, असंख्य उदाहरण है इस देश में। परंतु आप एक ऐसा उदाहरण किसी और देश में नहीं बता पाएंगे, तो क्रेडिट मेजोरिटी को देने में इतनी पीड़ा क्यों होती है इन लोगों को? जानते हैं राजीव जी, हम लोग चाहें तो इनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हिंदू माने सहिष्णु, हिंदू मतलब सर्वधर्म संभाव, हिंदू मतलब एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, हिंदू मतलब अनेकता में एकता। और देखिए जहां हिंदू माइनॉरिटी में है हमारे JNK में, वहां क्या हाल हुआ है और क्या हो रहा है। आज हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां पर अमन है, चैन है, समृद्धि है। तो इन्हें भी तो समझना पड़ेगा इस बात को। एक आध्यात्मिक गुरु की नजर से मैं अगर पूछूं तो सनातन धर्म के मजबूत आधार का मूल मंत्र क्या है? मैम देखिए राजीव जी, आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे रेस किया है क्लिक इंडिया के माध्यम से, और क्लिक इंडिया के सभी दर्शकों को सनातन धर्म के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि सनातन धर्म का जो मजबूत आधार है वो क्या है। अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम हमारे सनातन धर्म का आधार है, हिंदुत्व का आधार है। हमारे शास्त्रों में तो यह तक कह दिया, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा धर्म रक्षा मम मंत्र समानता। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि हिंदू भारत माँ की सनातन, भारत माँ की सनातन धरोहर को संभाल के रख सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। मैम आपसे आखिरी सवाल, एक आध्यात्मिक धर्मगुरु को देश का नाम क्या अच्छा लगता है, इंडिया या भारत, और क्यों? राजीव जी बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, हालांकि काफी विवादित है इस समय पर, लेकिन इसका जवाब मैं जरूर दूंगी। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे, हमारा देश भारत था है और रहेगा। उत्तरंग यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, वर्षं तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उसकी संतानों को भारती कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश में रमन करते हैं, जिनका जीवन जाज्वल्यमान है और क्षमता रखते हैं दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भरने की, वो सभी भारतीय हैं। तो मुझे तो राजीव जी नो डाउट भारत नाम अत्यंत प्रिय है, और मैं ये भी जरूर कहूंगी क्योंकि बात हो रही है मेरे भारत की, सनातन की, विश्व के कल्याण की, जो बात करे प्रभु श्री राम की। सिंह सा पौरुष हो फिर भी कामना करे सद्भाव की, शाश्वत सनातन धर्म पालक प्रार्थना सर्व धर्म संभाव की। जय घोष ऐसे धर्म की, जय घोष भारत धाम की, जय घोष भारत धाम की। शुक्रिया साधु प्रज्ञा जी, क्लिक इंडिया के साथ बहुत सा कोई से सनातन को लेकर आपने अपने विचार रखे। तो ये थी आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रज्ञा भारती, जिन्होंने साफ कहा कि सनातन था है और रहेगा, और जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, सनातन को लेकर अगर कोई विवादित बोल बोलता है तो वो गलत है। दोस्तों वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। सनातन शाश्वत है, सत्य है, वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। भारत में भले ही कुछ नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी खास वर्ग या समुदाय का वोट हासिल करने के लिए सनातन को लेकर उलूल जुलूल बयान दें, लेकिन सच्चाई यही है कि सनातन अपनी सहिष्णुता के कारण पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है,
पूरे विश्व में लोग इसे तेजी से अंगीकार कर रहे हैं। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।